हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका डियर स्टडी पॉइंट में। आज फिर हम लोग बेहतरीन 10 क्वेश्चंस को देखने जाएंगे जो क्लर्क मेंस के लिए यूजफुल होगा। हम लोगों का क्लर्क मेंस का पहला सीरीज है आज। उम्मीद करते हैं आप लोगों के लिए सीरीज फायदेमंद होगा। वीडियो देखने के बाद इस वीडियो को शेयर भी जरूर करना है, वीडियो को लाइक जरूर करना है, और जहां तक हो सके हमारे चैनल को प्रमोट करो, क्योंकि तुम्हारे प्रमोट करने से जब बच्चे इस पे आएंगे तो हमारे लिए भी ये मोटिवेशन होगा कि बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड है हमारे नए इस चैलेंज को या फिर इस टाइप के क्वेश्चंस को डील करने में। ठीक है, तो बिना देरी के हम लोग सीरीज को शुरू करते हैं। जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि जो भी वीडियोज हम अपलोड करें वो तुम्हारे नोटिफिकेशन में आया रहे। ठीक है, तो सेशन शुरू करते हैं। पहला सवाल देखो क्या है, और पहला सवाल से ही हम लोग शुरू करेंगे बहुत बेहतरीन सॉल्यूशन की ओर। ठीक है, देखो पहला सवाल में क्या बोल रहा है। ए डीलर परचेज 15 सेकेंड हैंड स्कूटर एट 4500 ईच। एक डीलर जो है 15 सेकेंड हैंड स्कूटर खरीदा 4500 ईच, मतलब 4500 हर एक में। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं ना, पहले सवाल को पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि करना क्या हम लोगों को। ठीक है, मेन रूप से यहाँ पे ध्यान में ये रखना है। ठीक है, फिर बोल रहा है ही स्पेंड 7500 ऑन रिपेयर, 7500 रिपेयर पे खर्च करता है, एंड 3000 ऑन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दिस स्कूटर, 3000 रुपए खर्च करता है ट्रांसपोर्टेशन पे। फिर आगे क्या दे रखा है, ही मार्कअप द प्राइस ऑफ द स्कूटर आर परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस से आर परसेंट अब हम मार्कअप करता है। ठीक है, तो आर परसेंट अब हम मार्कअप करता है। तुम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिक में बहुत सारे ऐसे सवाल बनाए हुए हैं कि मार्कअप कैसे निकालते हैं हम लोग। ठीक है, फिर आगे देखो क्या बोल रहा है, ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन ईच स्कूटर आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 25%। 20% का प्रॉफिट बनाता है हर एक स्कूटर पे, जबकि वो 25% का डिस्काउंट भी देता है। तो पूछ रहा है आपसे फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। देखो इस सवाल में अगर बेसिकली तुम सारा चीजों को लेके चलोगे तो बहुत सारा कैलकुलेशन होगा। तुम्हें सबसे पहले 15 × 4500 करना पड़ेगा, तो टोटल स्कूटर का खर्च आएगा, फिर 7500 ऐड करो, 3000 ऐड करो, जो कि बहुत ज्यादा कैलकुलेशन लेके चला जाएगा तुम्हें। ठीक है, अगर तुम थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो तुम्हें निकालना क्या है, सीपी से कितना अधिक मार्कअप किया, यानी अगर एमपी और सीपी का रेशियो निकल जाए तो हमारा चीजें आसानी से निकल जाएगी। मैंने कई बार फॉर्मूला में भी बताया है और तुम्हें मालूम भी होना चाहिए, एमपी बाई में सीपी का एक कॉमन सा फॉर्मूला हमेशा ध्यान में रखो, 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंट बाई में 100 माइनस में डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, तो यहां से एमपी बाई में सीपी, अब देखो हमको प्रॉफिट परसेंट भी दिया हुआ है, डिस्काउंट परसेंट भी दिया हुआ है। अगर तुम ध्यान से देखोगे प्रॉफिट परसेंट 20 है, यानी कि ये क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा, और यहाँ 25% का डिस्काउंट है, यानी ये क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा। एमपी सीपी का रेशियो निकल गया। अब सीपी से कितना परसेंट अधिक है, आर परसेंट अधिक है, आर परसेंट की वैल्यू निकालनी है। यहां से निकाल दो कितना अधिक दिख रहा है तुम्हें, यहाँ पे 45 अधिक दिख रहा है, परसेंटेज इंक्रीज निकालोगे, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, आर बोल रखे हैं। आर बराबर में क्या हो जाएगा 45 अपॉन में 75 गुने में कितना 100, 15 से 3 बार में, 15 से 5 बार में, 5 से काट दो 20 बार में, यानी 20 × 3 क्या हो गया हमारा 60% हो गया। और इस सवाल का आंसर देखो कितना आसानी से 60% निकल गया, कुछ करना ही नहीं है इस सवाल में, लिटरली तुम बस इस फॉर्मूले को ध्यान में रखो और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये सवाल समझ में आया होगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल देखो क्या बोल रहा है, अगला सवाल भी देखो, अगला सवाल भी कितना आसान है। ठीक है, बोल रहा है टू मिक्सर M1 एंड M2 कंटेन मिक्सचर ऑफ लिक्विड A एंड B। ठीक है, दो मिक्सचर है जिसमें M1 और M2 है, M1 एंड M2। ठीक है, इसमें भी A और B है और इसमें भी A और B है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है सवाल में हम लोगों को, बोल रहा है एंड देयर क्वांटिटीज आर 35 एंड 50 लीटर। इसकी क्वांटिटी 35 है, इसकी क्वांटिटी कितनी है 50 लीटर है। ठीक है, 35 लीटर एंड 50 लीटर। अब आगे देखो और आगे क्या बोल रखा है सवाल में, बोल रहा है द टोटल क्वांटिटी ऑफ बी इन बोथ इज 30 लीटर। इन दोनों में बी की जो मात्रा है वो दोनों ही कितनी है 30 लीटर है। ठीक है, फिर और आगे क्या दे रखा है, क्वांटिटी ऑफ ए इन M1 इज 15 लीटर लेस देन द क्वांटिटी ऑफ ए इन M2। ए जो M2 में होगा, मान लो ये x होगा, तो इसमें कितना हो जाएगा तुम्हारा x माइनस 15 हो जाएगा। इतना ग्राफ तुम्हारा जब बन गया तो तुम्हें साफ साफ दिख रहा है ये a मालूम, ये a मालूम, ये b मालूम, ये b मालूम। अगर इन चारों को जोड़ देंगे तो M1 प्लस M2 के बराबर हो जाएगा। जोड़ दो सारे को, x माइनस 15 प्लस में x प्लस में 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 53, 85 हो जाएगा हमारा। यहाँ पे 30 ले जाके घटा दो 55 हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू
55 में 15 ऐड कर दोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 35 निकल के आ गई। अब तुम ध्यान दो कि इसमें a जो है तुम्हारा निकल के आया 35 और टोटल तुम्हारा 15 है, यानी b कितना हो जाएगा, b हो जाएगा 15 लीटर। अब यहां से 35 आ गया तो इसकी वैल्यू, a की वैल्यू हो गई 20 लीटर। तुम्हारा 35 है तो b यहां पे कितना हो जाएगा तुम्हारा, 15 लीटर हो जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा यहां से इतना डेटा निकल के आ गया। जब इतना डेटा निकल के आ गया तो तुम आगे क्या पूछा है सवाल में, ये देखो बोल रहा है सवाल में, इफ 20% ऑफ द लिक्विड इज टेकन फ्रॉम m1 एंड पुट इन टू m2। तो सबसे पहले तुम यहां से m2 में देखो है कितना कितना, a और b। a आया था तुम्हारा 35 लीटर और b आया था 15 लीटर। ठीक है, ये तुम्हारा डेटा यहां से निकल के आ गया। अब क्या बोल रहा है, 20% ए का। अगर तुम ध्यान दो, ये 20 लीटर है और ये 15 लीटर है। ठीक है, 20% जो निकालोगे तुम, इसमें से भी 20% निकालोगे, इसमें से भी 20% निकालोगे, दोनों में से 20-20% निकालोगे और उसे क्या करोगे, m2 में डाल दोगे। तो तुमसे यही पूछा है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ ए टू बी इन m2। m2 में ए से बी का रेशियो निकालना है। तो 20% जब निकालोगे तो मुंह पे इसका कैलकुलेशन कर सकते हो, 20 का 20% जो कि होता है कितना, 4 लीटर होता है, ए में चला गया हमारा। 15 का 20% निकालोगे जो कि कितना होता है, 3 लीटर होता है, बी में चला गया और यहां से आ गया 39 लीटर, यहां से आ गया 18 लीटर और इसी का रेशियो पूछा है, 3 से काट दो 13। 13:6 हो जाएगा और यही हमारा इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये क्लियर होगा आप लोगों को। अगला सवाल चलते हैं, अगला सवाल देखो क्या है। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, इन द दिल्ली ऑटो एक्सपो 2018 4.8 लाख पीपल विजिटेड इन 3 डेज। 3 दिनों में टोटल 4.8 लाख लोग जो है विजिट किए। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, 42% बिलोंग टू दिल्ली। दिल्ली से जो बिलोंग करते थे वो थे 42%, 42% ऑफ व्हाट, 4.8 लाख। ठीक है, फिर बोल रहा है 67% अवेयर इंडियन। अब जो बारी है वो है इंडियन की है, तो इंडियन जो है वो है 67%, तो इंडियन में ही हमारा दिल्ली आ जाता है, यानी कि 67% ऑफ व्हाट, 4.8 लाख हमारा इंडियंस कहलाएगा। फिर आगे देखो आगे क्या बोल रहा है, एंड रेस्ट वेयर इक्वली डिवाइडेड बिटवीन जर्मनी, जापान एंड साउथ कोरिया। जर्मनी, जापान एंड साउथ कोरिया में इक्वली डिवाइड हो जाता है। 100% में 67% ले लिया तो बचा कितना, 33%। 33% को इक्वली जब डिवाइड करोगे तो इसको भी 11%, इसको भी 11% एंड इसको भी 11% निकल के आ जाएगा। ठीक है, आगे अब देखो क्या बोल रहा है सवाल में, आउट ऑफ 1200 ड्यू वॉलंटियर्स ओनली 50 कुड कम्युनिकेट विथ जर्मनी। ठीक है, हमारे पास कुछ वॉलंटियर्स भी हैं जो कि डीयू से हैं। डीयू से टोटल कितने हैं, 1200 हैं। ठीक है, और इन 1200 में से क्या बोला है कि जो जर्मनी से, जर्मन लैंग्वेज जानते थे, जो जर्मन से कम्युनिकेट कर सकते थे वो थे सिर्फ 50। तो 50 हमारा जर्मन से कम्युनिकेट करते, 100 कुड कम्युनिकेट विथ जापानीज एंड 52 कोरियंस। ठीक है, जापानीज से सिर्फ 100 और कोरियन से सिर्फ कितना, 50 कम्युनिकेट कर सकते थे। ठीक है, फिर आगे देखो आगे क्या बोल रहा है, फिर बोल रहा है आउट ऑफ 600 जयपुर यूनिवर्सिटी, जयपुर यूनिवर्सिटी से जो कि कितना है हमारा, 600 है, इसमें से तुम्हें दे रखा है कि 50 कुड कम्युनिकेट विथ जर्मन, 50 जापानीज एंड 52 कोरियन। मतलब इक्वल में बटेगा यहां पे हमारा, जर्मन के लिए भी 50, जापानीज के लिए भी 50 एंड कोरियन के लिए भी क्या, 50। इतना डेटा हमारा ये जो है निकल के रेडी आ गया हमारे पास। अब देखो सवाल में क्या पूछ रहा है, पहला सवाल देखो क्या बोल रहा है, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ जर्मन विजिटर हैंडल्ड बाय बोथ यूनिवर्सिटी वॉलंटियर। जर्मन विजिटर को जो हैंडल कर रहे हैं उनका तुम्हें क्या निकालना है, एवरेज नंबर निकालना है। ठीक है, इफ वॉलंटियर वर्क इज इक्वली डिवाइडेड अमंग ऑल ऑफ द वॉलंटियर्स। ठीक है, जो वॉलंटियर काम कर रहे हैं वो इक्वली, मतलब जिस रेशियो में है उसी रेशियो में डिवाइड करना है हमारा। ठीक है, तो सबसे पहले जर्मन विजिटर हैं कितना ये देख लो। तो सबसे पहला जो हमारा सवाल है, थर्ड नंबर सवाल, इसमें सबसे पहले जर्मन विजिटर को देखते हैं। 4.8 लाख है हमारा, तो 8 लाख को अगर हम लोग थोड़ा चेंज कर देते हैं तो उसको चेंज कर दो, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ये चेंज हो गया हमारा 1 लाख में। ठीक है, और गुने में 11%, ये हमारे क्या हो गए, जर्मन विजिटर हो गए। ठीक है, जब ये हमारे जर्मन विजिटर हो गए तो हमसे क्या पूछा है कि इक्वली डिवाइड करना है, तो एवरेज बताने के लिए।
तो यहाँ पे देखो जर्मन में तुम्हारा डीयू वाले जो है सिर्फ 50 को हैंडल कर सकते हैं और जेयू वाले जो है सिर्फ 50 को हैंडल कर सकते हैं, यानी टोटल हैंडल जो वो लोग करेंगे वो कितने हैंडल करेंगे, 100 हैंडल करेंगे, मतलब इक्वली डिवाइड करके। तो इक्वली जब डिवाइड करके 100 हैंडल करेंगे तो एवरेज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसी 100 से क्या करेंगे डिवाइड दे देंगे। डिवाइड दे दो, ये डेसिमल भी हटा दो, नीचे तुम्हारा 10 आ जाएगा, 3 और 1 4 2 5 0 यहाँ पे, ठीक है, ऊपर में भी 3 और 2 5 0 खत्म हो गया। बचा क्या तुम्हारे पास, 48 × 11, और इसे गुना करने का तरीका तुम्हें मालूम होना चाहिए, 8 4 12 और 4 और 1 5, यानी कि 528 हमारा जो हो जाएगा इस सवाल का आंसर हो जाएगा, और एवरेज जो हमारा क्या निकल के आ गया, 528 निकल के आ गया। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल देखो क्या है, बाकी सारा डेटा जो है हम लोग इसको इसी तरीके से रहने देंगे। ठीक है, अगला सवाल देखो क्या है, What is the average number of visitor handled by a volunteer? ठीक है, average number of visitor बताना है जो volunteer के द्वारा handle करा। Visitor total कितने हैं? 4.8 लाख है हमारा, और volunteer कितने हैं हमारे, 1200 यहाँ पे और 600 यहाँ पे, 12 6 कितना 1800, सिंपली एवरेज निकालना है हमारा। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन, टोटल volunteer है 4.8 लाख, गुने में कर दो यहाँ पे, डेसिमल हटा दो, नीचे 10 आ जाएगा, 1200 और 600 यानी कि कितना हो जाएगा हमारा, 1800 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 2 3 0 यहां से जो है हमारा खत्म हो जाएगा, क्या बच गया 4800, 3 से काट दो 3 से या 6 से काट दो, 6 से कट जाएगा 3 बार में, 6 से कट जाएगा 8 बार में। ठीक है, यानी क्या निकल के आ गया, 800/3। अब देखो इसके लिए ना ज्यादा खर्च समय खर्च मत करना, अगर तुम्हारा डिवाइड नेचुरली अगर तुम्हें आ रहा है तो कर लो, ये डिवाइड करने के बाद 266.67% देगा। ठीक है, अगर नहीं आ रहा है या ट्रबल लगता है कभी कभी एग्जाम में करने में तो कुछ मत करो, 300 से 600 चले जाओ, 600 तक तुम्हारा जो होगा वो होगा 200। ठीक है, और फिर बचेगा 200/3 जिसकी वैल्यू होती है तुम्हारा 66.67, और इसी को ऐड कर दो यानी कितना आ जाएगा 266.67, अप्रॉक्स में इसे ही 267 लिया है, और यही हमारा एवरेज है कि एवरेज जो बोला है एवरेज नंबर ऑफ वॉलंटियर जो विजिटर को हैंडल करेंगे वो कितने हैं हमारे, 267 होंगे। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या है हम लोगों का, नेक्स्ट सवाल में देखो क्या बोल रहा है, What is the difference between the visitor of from Delhi and the visitor from Japan? जो दिल्ली से विजिटर हैं और जापान से विजिटर हैं उनका डिफरेंस निकालना है, कितना आसान सवाल है। दिल्ली के विजिटर्स हैं 42%, जापान के विजिटर्स हैं 11%, 42 में 11 चला जाएगा तुम्हारा, यानी कितना बचेगा 31% बचेगा, निकाल दो। कौन सा नंबर सवाल है हमारा, फिफ्थ नंबर सवाल है। ठीक है, 4.8 लाख का 31% निकाल दो, सॉल्व कर लो, इसे सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा, 148800 आ जाएगा। ठीक है, इजिली तुम इस चीज को निकाल सकते हो और यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, 148800। ठीक है, सिर्फ दिल्ली और जापान में अंतर, परसेंटेज का अंतर निकाल दो, क्योंकि ये दोनों ही जो है ये 4.8 लाख पे फंक्शन करेंगे, तो इसका आंसर तुम इजिली दे सकते हो। अगला सवाल चलो, अगला सवाल देखो क्या है, अगला देखो क्या बोल रहा है, नेक्स्ट हम लोग का सवाल है, बोल रहा है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कोरियन विजिटर हैंडल्ड बाई जयपुर। ठीक है, जो हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कोरियन विजिटर हैंडल्ड बाई जयपुर यूनिवर्सिटी वॉलंटियर इफ वॉलंटियर वर्क इज इक्वली डिवाइडेड अमंग ऑल द वॉलंटियर। ठीक है, हमसे पूछ रहा है कि कोरियन जो है उस कोरियन में सिर्फ जयपुर यूनिवर्सिटी के जो वॉलंटियर हैं वो कितना वॉलंटियर करेंगे, वो कितने लोगों को वॉलंटियर करेंगे। तो देखो तुमको से जब इंडिविजुअली पूछे कि जयपुर यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है, और हैंडल किसको करना है, कोरियन को करना है, तुम देखो यहाँ पे कि जयपुर दिल्ली यूनिवर्सिटी से जो कोरियन को हैंडल करेंगे और जयपुर यूनिवर्सिटी से जो कोरियन को हैंडल करेंगे वो है हमारा 50/50, यानी कि इनकी रेशियो जो आएगी 1:1 में आएगी, मतलब ये दोनों जो है बराबर रेशियो में हैंडल करेंगे। इक्वली डिवाइड करने के लिए बोल रहा है, मतलब इक्वली का मतलब क्या है, जितना वॉलंटियर उसी रेस्पेक्ट में हम लोग को डिवाइड करना है। ठीक है, तो अब यहां से तुम देखो कि कोरियन विजिटर हैं कितने एक्चुअली में, तो कोरियन विजिटर को अगर तुम थोड़ा सा ध्यान दोगे तो कोरियन विजिटर हैं 11%, जो कि कितना है 4.8 लाख का गुना कर दो 100000 से और इंटू में 11/100 कर दो, ये डेसिमल भी हटा दो यहाँ पे, तो ये कोरियन विजिटर्स तुम्हारे निकल के आ जाएंगे, 00 और 000 यहाँ से खत्म हो जाएगा, यानी ये तुम्हारा निकल के आ जाएगा 52800। इतने तुम्हारे कोरियन विजिटर हैं
और दिल्ली यूनिवर्सिटी और जयपुर यूनिवर्सिटी दोनों मिला के जो हैंडल करेंगे वो 1:1 में, मतलब आधा आधा हैंडल करेंगे। तो जयपुर यूनिवर्सिटी का अगर तुम्हें निकालने के लिए बोलेगा तो इसका जस्ट आधा कर दो, तो 52800 का जब तुम हाफ करोगे तो हाफ करने का मतलब क्या हो जाएगा तुम्हारा 26400, ठीक है। और इसी के साथ तुम्हारा जो आंसर है वो 26400 आंसर हो गया हमारा एवरेज यहाँ पे। अब इस चीज को तुम ना डायरेक्ट भी देख सकते हो, देखो ये 50 हैंडल कर रहा है, ये 50 हैंडल कर रहा है, डेफिनेटली 50-50% हैंडल कर रहा है। 50-50% हैंडल करने का मतलब क्या हो गया तुम्हारा, आधा आधा हैंडल कर रहा, हो गया तुम्हारा आंसर आधा, कर दो यहाँ पे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अगला सवाल देखो क्या हम लोगों का, और आखिरी सवाल इस कैसलेट बेस्ड डीए का, ठीक है। देखो क्या अगला सवाल, देखो अगला सवाल क्या बोल रहा है, बोल रखा है हम लोगों को व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ, सॉरी व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट डेली एवरेज ऑफ जापानीज विजिटर हैंडल्ड बाय दिल्ली यूनिवर्सिटी, अप्रोक्सीमेट डेली बोला है, ठीक है। ये जो 4.8 लाख लोग हैं ये टोटल हमारा 3 दिन का है, 1 दिन का एवरेज निकालने के लिए क्या करना होगा, 3 से डिवाइड देना होगा। तो सबसे पहले ये देखो, हैंडल्ड बाय दिल्ली यूनिवर्सिटी वॉलंटियर, दिल्ली यूनिवर्सिटी के वॉलंटियर के द्वारा जो हैंडल्ड होगा, If volunteer work is equally divided among all the volunteer, volunteer work जो है equally divided है, मतलब वही ratio में divided है जिस ratio में उन लोगों की efficiency है, ठीक है। तो यहाँ से तुम देखो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से जो जापानीज को, जापानीज के लिए हमारा बोला था दिल्ली यूनिवर्सिटी से जो हैंडल करेंगे वो 100 हैंडलर करते हैं और जयपुर यूनिवर्सिटी से 50 हैंडल करते हैं, यानी कि इनका जो रेशियो है वो 2:1 है, यानी कि 2:1 में ये हैंडल करेंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी का फ्रैक्शन निकालना होगा 2.1। अब जापानीज है कितना ये ध्यान में रखो, 4.8 लाख है हमारा, जिसका 11%, अभी तुमने थोड़ी देर पहले इसे सॉल्व किया था। ध्यान रखो एक चीज का, जब जब कैलकुलेशन करो डीआई के लिए तो उसका कैलकुलेशन तुमने क्या क्या कर रखा है, इस चीज को ध्यान में रखना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। अब डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 52800 और ये हमारा होगा, ये चीज ने हम लोग तीसरी बार इस बार अब हम लोग करते जा रहे हैं, ठीक है, ये तीसरा बार इस सवाल में आया है 52800। अब जब 52800 आ गया तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से जो हैंडल करेंगे वो हैंडल कितना करेंगे, 52800 गुने में 2/3 हैंडल करेंगे, यानी 2/3 यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में चला गया। डेली का एवरेज निकालने के लिए बोला है तो डेली एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, इसी को डिवाइड कर दोगे तो डिवाइड करने के बाद यही तुम्हें देगा 11733 पॉइंट में, 33 अप्रॉक्स में पूछा है, यही हमारा आंसर दिया हुआ है 11733 और इसी के साथ हमारा जो आंसर है 11733 आंसर है, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये कैसलेट आप लोगों को समझ में आया होगा, अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल देखो कितना बेहतरीन सवाल है, ठीक है। देखो अगला सवाल क्या बोल रहा है, रिसेंटली धोनी बाउट आईपीएल प्लेयर कार्ड, ठीक है, धोनी जो है क्या बाउट करता है, आईपीएल प्लेयर कार्ड बाउट करता है। ही फाउंड दैट, वो क्या देखता है, that the four types of card that he liked were priced at rupees 2, 3.50, 4.50 and 5. 2 रुपया, ठीक है, 3.5 3.5 रुपए, 4.5 4.5 रुपए and 5 रुपीज, 5.0 रुपीज, ठीक है। ये चार तरह का उसकी क्या है, प्राइसिंग है, ठीक है। अब यहां से देखो क्या बोल रहा है आगे सवाल में, बोल रहा है सवाल में कि एज धोनी वॉन्टेड टू बाय 30 कार्ड्स, मतलब ये चारों का मिला के टोटल कितना कार्ड्स होना चाहिए, 30 कार्ड्स होना चाहिए, ठीक है। 30 कार्ड्स जब हो गया, ही टूक 5 of 2 kinds and 10 each of 2 other, ठीक है। अब क्या बोला सवाल में कि पांच जो है, पांच तरह का, पांच कार्ड जो खरीदता है, कोई 2 प्रकार का खरीदता है और कोई 2 प्रकार का 10-10 कार्ड खरीदता है, ठीक है। तो जब 2 प्रकार का इस तरीके से दे दिया हमारे सवाल में, तो अब आगे क्या बोल रहा है, Putting down an exact number of 10 rupees note on the counter payment, और उसके बाद वो क्या करता है, 10 रुपए का एकदम काउंटर पेमेंट करता है, मतलब 10-10 रुपए का वो नोट दे देता है, ठीक है। हमसे पूछा है हाउ मेनी नोट्स डिड धोनी गिव, धोनी ने कितने नोट्स दिए ये, तो एक चीज देखो, जब 10-10 रुपए का नोट दिया तो डेफिनेटली जो अमाउंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 10 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास कंडीशन क्या है, कोई भी 2 5 तरह का 5 कार्ड होना चाहिए और कोई भी 2 10 कार्ड होना चाहिए। अब सबसे पहला दिमाग हमारा क्या स्ट्राइक करेगा कि इन दोनों को 10 10 कार्ड ले लेते हैं, तो इन दोनों को जब 10 कार्ड लोगे तो 3.5 × 10 करोगे तो 35 रुपीज आएगा, 4.5 × 10 करोगे तो 45 रुपीज आएगा, और इन दोनों को जब तुम 5 कार्ड करोगे तो 5 × 2 करोगे तो तुम्हारा 10 रुपीज आएगा, और 5 × 5 करोगे तो 25 रुपीज आएगा। एड करके देखो तुम यहाँ पे 40 87 10 90 और यहाँ पे 115 रुपया निकल के आ गया, जो कि 10 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए हमारा ये वाला फंक्शन जो है काम नहीं करेगा, ठीक है। तो कौन सा फंक्शन काम करेगा, अब देखो यहाँ पे क्या है,
एक चीज तय है कि हम लोग यहाँ पे इसे किसी भी पेयरिंग जो करेंगे 5-5 या 10-10 का, ये या तो इन दोनों को 5-5 कार्ड ले लेंगे या इन दोनों को 10-10 कार्ड लेंगे, क्योंकि अगर एक इससे लोगे तो वो डेसिमल में चला जाएगा, ये तय है हमारा, ठीक है। इसकी कॉमन सेंस तुम्हें होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो तुम क्या है कि अब तुमने इसे 10 कार्ड लिया था, अब इसे 5 कार्ड लेके देखो, तो 5 इन दोनों को जब तुम 5 लोगे तो ये दोनों जो तुम्हारा होगा ये क्या हो जाएगा, तुम्हारा 10 कार्ड्स वाला हो जाएगा, ठीक है, 10 कार्ड्स वाले हो जाएंगे, और ये दोनों जो तुम्हारे होंगे वो क्या होंगे, 5 कार्ड्स वाले हो जाएंगे, ठीक है। तो 10 कार्ड्स वाले के अकॉर्डिंग ये तुम्हें देगा ₹20, 5 कार्ड्स के अकॉर्डिंग जब 3.5 × 5 करोगे तो ये तुम्हें देगा 17.5 रुपीज, ठीक है। 4.5 × 5 करोगे तो ये तुम्हें देगा 20.2 रुपीज, और 5 × 10 करोगे तो यही तुम्हें देगा 50 रुपीज, ठीक है। सबको ऐड कर दो, ऐड जब करोगे तो 20 और 20 यहां से 40 और 50 यहां से तुम्हारा कितना हो जाएगा 90, और 20 यहां से हो जाएगा 110, जो कि 10 का मल्टीपल भी है, तो डेफिनेटली धोनी ने कितना रुपया पे किया होगा, 110 रुपया पे किया होगा। नंबर ऑफ नोट्स निकालने के लिए बोल रहा है, तो नंबर ऑफ नोट्स हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, 110 रुपीज बाई में क्या कर देंगे, 11 कर देंगे, 11 से काट देंगे, 10 बार में 10 रुपीज हमारा, 10 नोट्स जो हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, सॉरी 10 रुपए का नोट दिया था, 10 से काट देंगे 11 बार में, यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 11 नोट्स हो जाएगा, और इसी के साथ हमारा जो है ये आंसर है, ठीक है। तो यही दो कंडीशन इसमें चेक करना था। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल देखो क्या, अगला सवाल देखो क्या बोल रहा है। ए शॉपकीपर हैज टू प्रोडक्ट ए एंड बी, दो प्रोडक्ट है एक शॉपकीपर के पास, ए है और बी है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, ए और बी होने के बाद द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच यूनिट ऑफ बी इज 40% मोर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच यूनिट, यानी सीपी ऑफ वन आर्टिकल, एक आर्टिकल का अगर इसको हम लोग 100 ए बोलते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 140% अधिक, यही होगा। इसे काट दो, 20 से काट दो, इसे 5 बार में और इसे काट दो 7 बार में, ठीक है। 5 ए इसका सीपी, इसका 7A हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है ही सेल्स ईच यूनिट एट अ प्रॉफिट ऑफ एक्स परसेंट, ए को जो है एक्स परसेंट के प्रॉफिट पे बेचता है, बी का जो दिए हुआ है वो दिए हुआ है एक्स प्लस 6% के प्रॉफिट पे बेचता है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट रिसीव्ड बाय सेलिंग 100 यूनिट ऑफ बोथ ए एंड बी इज 33600, ठीक है, जो टोटल प्रॉफिट का डिफरेंस हो रहा है 100 आर्टिकल का, तो एक आर्टिकल का कितना हो जाएगा, 100 से डिवाइड कर दो, यानी कितना हो जाएगा, 336 रुपीज हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे। अब तुम यहां से थोड़ा सा ध्यान दो, 336 रुपीज हो गया तुम्हारा। अब तुम्हारा इसके बाद कंडीशन क्या दे रखा है इस सवाल के लिए, बोल रहा है कि 100 यूनिट हो गया, 336 हो गया, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द वैल्यू ऑफ एक्स एंड द वैल्यू ऑफ ए, कॉस्ट प्राइस ऑफ ए रेस्पेक्टिवली, वैल्यू ऑफ एक्स और ए का प्राइस बताना है। अब देखो इस सवाल में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तुम क्या करोगे, सबसे पहले डिफरेंस निकालना है। देखो सीपी भी ज्यादा, इसका प्रॉफिट परसेंट भी ज्यादा, तो इसकी प्रॉफिट भी होगी, क्या होगी, ज्यादा होगी, तो 7A का एक्स प्लस में 6 बाई में 100 कर दो, ठीक है, माइनस 5A का एक्स बाई में 100 कर दो, 7AX 5AX घटेगा तो 2AX दे देगा बाई में 100, और 7 × 6 करोगे प्लस में कितना हो जाएगा, 42A बाई में कितना 100, बराबर में क्या हो गया 336 हो जाएगा। अब 2 से यहां काट दो, 2 से 21 काट दो, 2 से 1 6 और 8 बार में कट जाएगा, यानी AX प्लस में A बराबर में 16800 हो जाएगा तुम्हारा यहां पे, AX प्लस में 21A, ठीक है। अब तुम यहां से ध्यान दो कि तुम्हारा जो रेस्पेक्ट निकालना है वो कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट परसेंट में निकालना है, तो किसी एक चीज को एक तरफ कर दो। हम लोग क्या करते हैं, ए को यहां रहने देते हैं और फाइनली हम लोग यहां पे क्या करेंगे, 16800 बटे में 21 और प्लस में एक्स कर देंगे, ये यहां पे हमारा जो है ये पहला पार्ट जो है हमारा ये कॉमन आ जाएगा, इसको हम लोग यहां डिवाइड में ले आते हैं, एक चीज हम लोगों का यहां से निकल के आ गया, लेकिन हमारा जो ऑप्शंस दिए हुए है वो कंप्लीट ए का सीपी का तुलना करने के लिए बोला है प्रॉफिट से, तो प्रॉफिट तो एक्स का एक्स है ही हमारा, ठीक है, लेकिन ए का सीपी हम लोग 5 माने थे, तो इसको क्या करेंगे हम लोग 5A में कन्वर्ट कर देंगे, तो इसको जब हम लोग 5A में कन्वर्ट कर देंगे तो इधर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर भी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 21 प्लस में एक्स और गुने में क्या कर देना होगा, 5 कर देना होगा, ठीक है। अब इसी चीज को तुम लोग यहां पे देखो कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ये हमारा 5A हो गया बराबर में 16800 बटे में 21 प्लस एक्स गुने में 5, ठीक है। हम लोग थोड़ा ऑप्शन बी की ओर आते हैं, ऑप्शन ए हम लोगों का नहीं होगा, ऑप्शन बी जो हम लोगों का दिए हुआ है
ऑप्शन बी हम लोग का क्या दिया हुआ है, 7 दिए हुए है जो कि एक्स की वैल्यू है, और 5a की जो वैल्यू है वो दी हुई है कितनी, 3000 दी हुई है। देखो इस तरीके से कर देने से, ये इक्वेशन कर देने से तुम्हें क्या है कि यहाँ पे ना तुम्हें 5a का वैल्यू बैठाने का कोई जरूरत नहीं, तुम सिर्फ x का वैल्यू बैठाओगे और चेक कर लोगे। यहाँ पे तुम देखो x का वैल्यू चेक कर लो, 16800 है, 21 प्लस 7 करोगे तो 21 प्लस 7 करोगे तो कितना हो जाएगा, 28 गुने में यहाँ 5 कर दो, 28 से जब तुम काटोगे तो 6 बार में ये तुम्हारा पूरा पूरी कट जाएगा, यानी कि 600 हो जाएगा, 600 गुने 5 करोगे तो कितना आ गया, 3000 आ गया, जो कि किसके बराबर आया, 5a के बराबर आ गया, और 5a तुम्हारा 3000 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए यही चेक करना है। तो 3000 जब 5a चेक हो के हमारा आंसर आ रहा है तो हम लोगों का क्या है, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। इसी तरीके से तुम एक एक इक्वेशन को चेक कर लोगे, चेक करने के बाद तुम्हारा जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर सी आएगा, ओनली बी सी डी और ई। उम्मीद करते हैं तुम इस चीज को चेक कर सकते हो, क्योंकि वीडियो लंबा करने से कोई फायदा नहीं है, इक्वेशन बन के आ चुका है तुम्हारा, ठीक है। तो इस चीज को जरूर से जरूर तुम चेक कर लेना, और चेक करने के बाद कहीं कोई दिक्कत हो तो तुम कमेंट करके हमें बता सकते हो कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। तो अगले सवाल की ओर चलते हैं, अगला सवाल देखो क्या, एक बेहतरीन सवाल मिक्सचर एलिगेशन पे बेस्ड, कितना ही आसान सवाल है ये देखो, ठीक है। इस सवाल को हम लोग थोड़ा डिटेल में भी समझेंगे कि अगर सवाल बदल के आता है तो सवाल बदल के हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है सवाल में, ए मिल्कमैन हैज सम अडल्ट्रेटेड मिल्क विद कंसंट्रेशन ऑफ मिल्क 83.33%, ठीक है। मिल्क का जो फ्रैक्शन दिए हुआ है वो दिए हुआ है तुम्हें 83.33% दिए हुआ है, ठीक है। अगर तुम्हें इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू आती है तो ठीक है, नहीं आती है तो निकाल लो। इसको तुम लिख सकते हो 50% प्लस में 33.33%, ठीक है। 50% 1/2 होता है, 33 होता है 1/3, यही तुम्हारा देगा 5/6, यानी इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है, 5/6 है तुम्हारी, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, व्हेन ही सेल्स एट कॉस्ट प्राइस ऑफ प्योर मिल्क के कॉस्ट प्राइस पे जब बेचता है, ही फर्दर सेल्स द मिक्सचर एट 11.11% प्रॉफिट, यानी कि उसको जो प्रॉफिट हो रहा है, परसेंटेज प्रॉफिट जो हो रहा है, वो परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो रहा है तुम्हारा, 11.11%, जिसकी फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/9, ठीक है। अब आगे देखो क्या बोल रहा है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ प्योर मिल्क इज 60 रुपीज पर लीटर, सीपी ऑफ मिल्क जो दिए हुए है, तो सीपी ऑफ मिल्क कितना दिए हुआ है, 60 रुपीज पर लीटर दिए हुए है, और क्या दे रखा है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ही गेट, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बताना है बाय सेलिंग 240 लीटर ऑफ एडल्ट्रेटेड मिल्क, यानी मिक्सचर जो है हमारा, वो मिक्सचर कितना है हमारा, 240 लीटर हमारा क्या है, मिक्सचर है। अब तुम ध्यान दो कि दो चीज होती है यहाँ पे, ठीक है। जब तुम खरीद रहे होते हो तो तुम सिर्फ दूध का खर्च करते हो, तुम उस टाइम पानी पे कोई खर्च नहीं करते हो, क्योंकि पानी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है हमारा, ठीक है। तो सिर्फ दूध पे खर्च किया, जब तुमने बेचा तो तुमने पूरा पूरी पानी और दूध मिला के क्वांटिटी बेचा, तो तुम जब उस पे अमाउंट का तुलना करोगे तो वो तुम्हें टोटल अमाउंट पे तुलना करनी है एसपी के समय में, लेकिन सीपी के समय में तुम क्या करोगे, सिर्फ और सिर्फ दूध पे करोगे। तो तुम यहाँ पे सीपी निकाल लो, टोटल सीपी यहाँ पे, ठीक है। तो टोटल सीपी जब निकालोगे तो टोटल सीपी देखो तो क्या है हमारा, 240 लीटर मिक्सचर है, जिसमें 5/6 क्या है हमारा, मिल्क है। तो 5/6 हम लोगों ने क्या कर दिया, मिल्क कर दिया, और मिल्क का रेट कितना है, 60 रुपीज पर लीटर है। सॉल्व कर दो, 6 से काट दो इसे 10 बार में, 24 × 5 कितना हो जाएगा तुम्हारा, 12 120, यानी कि ये तुम्हारा हो गया 12000 रुपए, तुम्हारा टोटल सीपी हो गया। अब आ जाओ तुम टोटल एसपी की ओर, एसपी में आ जाओ, टोटल तुम्हारा तुमने 240 लीटर को तुम्हें बेचना है, ठीक है, क्योंकि तुमने पानी और दूध मिला के तुम्हें बेचना है। अब ये जो तुम्हें बेचना है, ये बेचना है तुम्हें 60 रुपए के हिसाब से, 1/9 का प्रॉफिट लेके। तो 1/9 का जब तुम प्रॉफिट लोगे तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या लिखोगे, 9 × 1 = 10/ कितना, 9। अब इस चीज को थोड़ा सॉल्व कर दो, 3 से काट दो 20 बार में, और 3 से काट दो इसे 80 बार में, ठीक है। 8 × 2 = 16, यानी कितना निकल के आ गया, 16000 निकल के आ गया। जब 16000 निकल के आ गया तो 12000 और 16000 का डिफरेंस, यानी प्रॉफिट पूछा है अमाउंट में, तो प्रॉफिट कितना निकल के आ जाएगा हमारा, प्रॉफिट निकल के आ जाएगा 4000 रुपीज, और यही हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है। अब देखो इस सवाल का ना मैं एक और चीज तुम्हें बताता हूं, इस सवाल में क्या है कि अगर इस केस में हमारा प्रॉफिट ना पूछ के, ये प्रॉफिट ना पूछ के हमसे पूछता परसेंटेज प्रॉफिट, तो परसेंटेज प्रॉफिट से हम क्या करते हैं निकालने के लिए, यहां से प्रॉफिट पे आते हैं, उसके 12000 से तुलना करते, जो कि परसेंटेज प्रॉफिट अगर तुमसे निकालने के लिए बोलता है तो तुम क्या करते हैं, यहां पे 4000 बटे में
12,000 और गुने में 100, ठीक है। तो 4 से काट देते तीन बार में, 1/3 तुम्हें क्या देता, 33 होल 1/3 3%। और इस सवाल का जो आंसर हो जाता वो क्या हो जाता, 33 होल 1/3 में परसेंट हो जाता, अगर परसेंटेज में पूछता तो। अब देखो अगर परसेंटेज में पूछता तो इतना करने का कोई जरूरत ही नहीं था, ठीक है। क्या जरूरत नहीं था, तुम यहां पे तुम थोड़ा सा ध्यान दो कि ये सब चीज का कोई जरूरत नहीं है, सब परसेंटेज प्रॉफिट निकालने के लिए, ठीक है। अब यहां पे जरूरत किस चीज का है तो ये चीज समझो। अब तुम यहां पे देखो कि तुम्हारा जो है मिल्क 5/6 है, यानी कि एक तुम्हारा क्या है टोटल, अगर 6 है तुम्हारा तो 5 हमारा मिल्क है, एक क्या है हमारा वाटर है। वाटर के वजह से हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा है, सिर्फ इधर इधर वाले केस को भूल जाओ, नीचे जितना भी प्रॉफिट हो रहा है वो ज्यादा पे बेच रहे हैं वो सारा चीज। वाटर के वजह से एक्चुअली में हमारा फर्स्ट प्रॉफिट जिसको हम लोग बोले फर्स्ट प्रॉफिट, तो फर्स्ट प्रॉफिट कितना हो रहा है हमारा 1/5 गुने में कितना 100। हर 5 लीटर पे हमें क्या हो रहा है 1 लीटर का फायदा हो रहा है, तो 5 लीटर पे 1 लीटर का फायदा कर दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 20% हो जाएगा। सेकंड प्रॉफिट जो हो रहा है हमारा, वो सेकंड प्रॉफिट हमें सवाल में दिए हुआ है, सेकंड प्रॉफिट कितना दिए हुआ है 11% दिए हुए, 11% कर दो। अब क्या करो, तुमसे क्या पूछा है कि ओवरऑल प्रॉफिट बताने के लिए ही पूछा था ना कि टोटल प्रॉफिट तुम्हारा कितना हो रहा था परसेंटेज में, तो क्या है दो प्रॉफिट है, दो प्रॉफिट का सक्सेसिव निकाल दो आंसर आ जाएगा। अब बोलो 11% का सक्सेसिव निकालना थोड़ा सा कष्ट है तुम्हारे लिए, क्योंकि हम लोग सक्सेसिव में क्या जानते हैं एक्स प्लस वाई प्लस में एक्स वाई बटे में क्या जानते हैं 100 जानते हैं। तो हम मैंने ना एक वीडियो बनाया था परसेंटेज पे बेस्ड, इसमें मैंने फ्रैक्शनल सक्सेसिव डिटेल में बताया था कि जब भी ये इस तरीके से रहे तुम्हारा डेसिमल में रहे जिसका तुम सक्सेसिव निकालने में ज्यादा कैलकुलेशन हो रहा है तो उस केस में तुम क्या करोगे, उस केस में तुम प्रोसेस को कैसे सॉल्व करोगे, इस चीज को निकालने के लिए मैंने बताया है। जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच्ड है परसेंटेज का, कि परसेंटेज को पूरे परसेंटेज को एक फॉर्मूले पे कैसे सॉल्व करते हैं सिर्फ सक्सेसिव पे, और फ्रैक्शनल सक्सेसिव क्या है ये चीज थोड़ा सा मैं फ्रैक्शनल सक्सेसिव को यहां पे ही बता दे रहा हूं कि देखो ये सारा जो है ये है तुम्हारा परसेंटेज में, ठीक है। अगर इसका फ्रैक्शन में लिख के तुम सक्सेसिव लगाना चाहो तो वो भी एप्लीकेबल है। अगर x का फ्रैक्शन a by b होता है, y का फ्रैक्शन c by d होता है, ठीक है, तो फ्रैक्शन में ये होगा a by b c by d प्लस में a by b into c by d, ये है तुम्हारा फ्रैक्शनल सक्सेसिव। तो 20% का फ्रैक्शन जो होता है वो होता है 1/5, 11% का जो होता है वो होता है 1/9। तो 1/5 प्लस में 1/9 प्लस में 1/5 इंटू 1/9, इसी को जस्ट तुम्हें क्या करना है सॉल्व करना है। टोटल एलसीएम अभी ही ले लो 45, 5 से 9, 9 से 5 और यहां से 9 5 45 और 110, 15 बाई में 45 आ गया, फ्रैक्शन में ही था यानी फ्रैक्शन में क्या निकल के आ गया 1/3, 1/3 का मतलब क्या हो गया 33 होल 1/3%। और इसी के साथ अभी तुमने थोड़ी देर पहले 4000 बटे 12000 करके 33 होल 1/3 निकाला था, जो कितना आसानी से निकल गया। एक चीज ध्यान में रखो कि कभी भी एडल्ट्रेटेड मिल्क आता है और मिल्क का पार्ट दिए हुए रहता है तो उसमें एक और प्रॉफिट जनरेट होके आता है, ये प्रॉफिट। अगर ये प्रॉफिट निकालना तुम्हें आसानी से आता है तो तुम मिक्सर एलिगेशन के इस टाइप के सवाल को बहुत ही आसानी से बना सकते हो, वरना तुम्हें इस सवाल को बनाने में बहुत तकलीफ होने वाली है, लंबा चौड़ा लेके जाओगे। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसको हम लोग लेके अभी आ रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद इसी के साथ हमारा 10वां क्वेश्चन भी समाप्त हो गया। उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन समझ में आया होगा और इस चीज को थोड़ा फ्रैक्शनल सक्सेसिव अगर तुमने नहीं देखा है तो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच कर दूंगा मैं, आप वहां से जाके देख सकते हो फ्रैक्शन सक्सेसिव कैसे होता है, सक्सेसिव से कैसे सवालों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। कब सक्सेसिव लगाने का जरूरत होता है लोगों को ये नहीं पता होता है कि सक्सेसिव लगता कहाँ पे, ठीक है। इन सब चीजों को अगर समझना है उस वीडियो में अच्छे से दिया हुआ है, आप जाके उस चीज को समझ सकते हो, ठीक है। तो सेशन को लाइक किए बिना कोई नहीं जाना, ठीक है। सेशन और भी ज्यादा अच्छा होने वाला है और भी नए नए क्वेश्चन हम लोग लेके आने वाले हैं, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो और प्लीज वीडियो को जहां तक हो सके शेयर करो, जितने भी तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं जितने भी फेसबुक ग्रुप हैं सब जगह शेयर करो। इट्स अ रिक्वेस्ट टू एवरीवन, ठीक है। थैंक यू।